स्वागत है दोस्तों आपका एब्स्ट्रूज नॉलेज चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो पर्ल होता है, जो मोती होता है, वो कैसे बनता है। ठीक है तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँ कि आप हमारे चैनल को ऐसे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जो सीप है वो क्या करता है, वो मोती को बनाता है। ठीक है लेकिन दोस्तों, इसमें जानने वाली ये बात है कि कैसे मोती जो है सीप बनाता है। ठीक है तो दोस्तों, वास्तव में होता ये है कि जब सीप के अंदर कोई बालू या कोई धूल का कण जब फंस जाता है तो उसे क्या होने लगता है, उसे जो है दर्द होने लगता है, उसे दिक्कत होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, जिससे बचने के लिए वो क्या करता है, एक विशेष मिनरल्स, ऐसे एक ऐसा खनिज जिसे क्या है, उसका आंतरिक भाग, जो सीप का आंतरिक भाग जिससे बना होता है, जिस मिनरल से, उसी से क्या करने लगता है, उस जो गंदगी है, जो सैंड है, उसको जो है वो मल्टीपल लेयर, ढेर सारे लेयर से धीरे 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 क्या करता है, उसको कवर करना शुरू कर देता है। ठीक है और कवर करते करते क्या करता है, उसको वैसा जो है गोल, बिल्कुल सुंदर जो है बना देता है। ठीक है तो दोस्तों, वास्तव में अगर हम देखें तो क्या है, जो मोती है वो सीप के लिए क्या है, एक केवल फोड़े जैसा है, एक जो है फफोले जैसा है, लेकिन वास्तव में क्या है, बहुत ज्यादा एक सुंदर है। ठीक है तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को ऐसे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।